अच्छा, एक छोटा सा अपडेट देना था, ये मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में डाल दूंगा। पहले तो XUV700 मैंने बुक कराई थी बहुत टाइम पहले, तो वाइट कलर में AX7 मैनुअल गुड़गांव में शोरूम पे रेडीली अवेलेबल है। अगर कोई भी ढूंढ रहा है उसको तो आप सेम डे अभी ले सकते हो। दूसरी कार है स्कॉर्पियो N, डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर में है, टॉप मॉडल डीजल 4x4। तो भाई दोनों गाड़ियाँ रेडीली अवेलेबल है, दोनों गाड़ियों पर वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हो तो वो गाड़ियाँ आप अवेल कर सकते हो। मेरे को आप मैं इस पर कमेंट कर दीजिएगा, या तो मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके मुझे DM कर दीजिएगा, विच इज़ AK द पाथ फाइंडर, या तो आप यहीं पे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये सुबह अपलोड हो जाएगा तो मैं आपकी कनेक्ट करा दूंगा शोरूम से, एंड यू कैन डायरेक्टली तो गेट। गाइस, ये दोनों मस्त भाग लिए हैं अपना बिस्किट बिस्किट खा के। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू AK द पाथ फाइंडर व्लॉग्स। आज का व्लॉग अभी शुरू कर रहे हैं क्योंकि अपने दोस्तों से मिलने आए हुए थे, और मतलब अभी जो एक व्लॉग है वो ऑलरेडी रेंडर पर डाल चुका हूँ मैं, तो कल सुबह 9:30 बजे अपलोड हो जाएगा। जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे होगे तब तक वो भी देख चुके होगे और ये वाला भी देख रहे होगे, ठीक है, क्योंकि वो कल ही अपलोड हो जाएगा। सो अभी समय अराउंड 11:58 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कल शुरू होने वाला नया दिन। तो फिलहाल चलते हैं गाइस। गाइस वेलकम बैक टू AK द पाथ फाइंडर। कल आपसे रात में थोड़ी सी बात हुई थी, एंड अभी सुबह उठ के आपसे फिर से बात हो रही है। फिलहाल जा रहे हैं ऑफिस, आज है अपना हाफ डे, तो गाइस बाकी का प्लान कुछ पता नहीं है, इम्प्रॉम्प्टो है पूरा का पूरा, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी की बात रही पोस्ट मेलोन की कॉन्सर्ट की, तो भाई मेरे कुछ दोस्त गए हुए हैं वहाँ पे, सो मैंने सोचा कि यार आपके लिए थोड़ी बहुत वहाँ की क्लिप्स, जो हम जैसे लोग नहीं जा पाए तो भाई वहाँ से क्लिप्स मंगा लेंगे ना, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन द VIP स्टैंड, तो ठीक है ना भाई, फील तो वही आएगी यूट्यूब पे देखने में। तो मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया है, सो दे विल रिकॉर्ड इट फॉर मी एंड आई विल पोस्ट इट फॉर यू ऑल, एंड अपने लिए भी, बिकॉज मुझे भी देखना था बट मैं नहीं जा पाया। तो कोई नहीं भाई, बाकी कल के हार्डवेयर के लिए अपन लगे पड़े हैं, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल चलते हैं ऑफिस। क्या ये मैंने नहीं चलाया, मैं चला ऑफिस में, ये सब मैं चला था, मैं तुनक तुनक मेटर चला था। एडल्ट वेबसाइट देखते तू बैठ के ऑफिस में, तुनक तुनक मेटर चला था, मैं चला था। तो खड़े होके तो भाइयों हाफ डे है आज, एंड हम ऑफिस से निकल चुके हैं। फिलहाल पहले जा रहे हैं घर, घर पे कुछ काम है अपने को, एंड ग्रीन लाइट हो गई है, गाड़ी चला लेते हैं भाई, ये तो पीछे से हॉर्न बजने शुरू होंगे। तो पहले जाएंगे घर गाइस, एंड घर जाके अपना काम जो बचा कुचा है वो कंप्लीट करते हैं, एंड फिर फ्रेशन अप होते हैं, एंड आगे की दिनचर्या देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। कल के पासेस का भी अपडेट लेना है, अगर पासेस नहीं हो पाएंगे तो तुम्हारा भाई खरीद के जाएगा, बट ट्राई इसी में लगे हुए हैं कि पासेस मिल जाए अपने को, ताकि अपने पैसे बच जाएँ, वहाँ पर जाके हम इन्जॉय कर पाएँ। सो लेट्स सी कैसे चलता है, बाकी पोस्ट मेलोन का आपको अपडेट आ ही जाएगा शाम तक, क्योंकि शाम में ही कॉन्सर्ट है, तो वहाँ से जैसे ही मेरे पास वीडियो आएगी वो आपकी तरफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। घर जाके कहाँ जाना है हमने वो हम आपको बाद में बताते हैं। यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है, चिप्स वाले बिस्किट्स हैं। यप, इस ब्रांड के बहुत टेस्टी है। डू द इश्क बेबी। अरे यार एक मिनट, तो गाइस अपन निकल चुके हैं, वापस आके सो गए थे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद, फिर चाय वाय पी, एंड उसके बाद भी आलस इतना आ रहा था कि कैमरा और फ़ोन तो उठाया ही नहीं अपन ने, तो सोचा अभी निकलते हैं थोड़ा ज़रा पेट्रोल शेट्रोल डलवा ले गाड़ी में, ठीक है, और देखते कहाँ जाती है गाड़ी अपनी, वहीं चलेंगे सीधा सीधा, और कुछ अटर पटर तो नहीं खाएंगे बट कॉफ़ी पीने का मन है तो कॉफ़ी पियेंगे। प्लस JLN में आज BMW मोटर स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो रहा है, तो भाई अपन तो जा नहीं पाए, ना पासेस मिले ना ही अपन ने टिकट ली, गड्ढा था बच गई, तो उसकी झलक देखते हैं क्या सीन है,
तो BMW मोटरहेड बेसिकली M स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो सारी उनकी नई 1000S जो है अपनी बाइक S1000RR वो भी लॉन्च हुई है, नया एडिशन लॉन्च हुआ है बिल्कुल उसका। एंड एक इनका न्यू कलर है, तो वो इन्होंने ना क्या करा है, सारी M स्पोर्ट्स में लॉन्च कर दिया है। तो उसको JHARE है स्पेलिंग। अब कोई हारे एडिशन कोई कहता है, कोई जहारे कहता है, डोंट नो व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो मैं भी एक बार उसको पता करके इसी ब्लॉग में बता दूंगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। पहले पेट्रोल डलवाते हैं। फिलहाल अभी अपन है लोधी रोड पे गाइस, साईं बाबा मंदिर। तो यहाँ पे अपन निकले हैं प्रसाद बांटने के लिए। एंड प्रसाद बांटने के बाद अपन जाएंगे जेलन स्टेडियम में, बाहर से देखते हैं भाई। और देखो 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 देखो, BMW इन्हीं का शो हो रहा है वहाँ पे, देख रहे हो गाइस। सामने लाइटिंग जो चल रही है कितना सुंदर लग रहा है। सो वहीं पे अपने स्पॉट पे रुकते हैं भाई, एंड लेट्स सी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो गाइस गाड़ी यहाँ पे लगा दी हमने, एंड वहाँ पे कुछ हो रहा है। एज यू कैन सी मोटोरोम, इट्स BMW शो गाइस। यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है इस बार, इन्होंने जो अरेंजमेंट्स करे हैं। अभी गाना वाना बंद हो चुका है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा, गाना शुरू हो गया वापस से, तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है उधर। हमारे पास BMW ली है ना, इसलिए इन सालों ने हमें जगह नहीं दी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। और भी गाड़ियां रुक रही हैं मेरे पीछे और जा रही हैं। हम अपना रिकॉर्ड करके निकलेंगे यहाँ से। तो सिग्नल की आवाज़ जानी पहचानी है, एंड इफ यू कुड गेस इट सो जस्ट लेट मी नो हु इज़ इट। भाई एक गाड़ी रुकी है, सारे ही रुक गए। ओ भाई BMW भी आ गई, कमाल ही हो गया यार। मतलब एक गाड़ी रुकती है सब रुक जाते हैं। अरे तो ये इंडिया है ना अपना भाई, क्या कर सकता है। यहाँ पे एक गाड़ी रुकी है, सारे गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ रुक गई भाई, सभी रुकते जा रहे हैं। बाइक ऑटो ऑटो सब आगे रुके पड़े थे, वो एक और गाड़ी रुक गई। दिस इज इंडिया। एक बंदा गाड़ी साइड में लगाए ना और एक कोने में देख रहे है तो भाई, मतलब सब इतने वेले सब लग गए भाई। मैं तो हूँ, मैं इस टाइम पे वेला हूँ, ठीक है। मेरा कोई काम नहीं है, मैं इंजॉय करने निकला हूँ। क्या पता बाकी भी इंजॉय करने निकले, बट भाई उससे पहले कोई नहीं रुका हुआ था लिटरली यहाँ पे। मेरे आने से पहले कोई नहीं था, मेरी गाड़ी रुकी है तो बाकी सब रुक गए यहाँ पे। That guy in white clothes is a singer, white jacket. भैया आप तो निकलो, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री पिज्जा जाएगा आपकी सैलरी से। गाड़ी लगा दी गाइस, कहाँ जाया जाए समझ में नहीं आ रहा। स्टारबक्स, बरिस्ता, थर्ड वेव, उधर कॉफी बॉन्ड है, कुछ हो रहा है वहाँ पे भी। एंड बाकी यार ये चीज़ ना टकरा गई इधर नीचे को, सो आई डोंट नो टायर के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, हो कुछ ना हुआ हो भाई। बाकी पत्थर तो तोड़ दिया मेरी नेक्सॉन ने। सो फिलहाल गाइस थर्ड वेव जाते हैं, एंड लेट्स हैव अ कैपुचिनो, एंड उसके बाद यहाँ से देखते कहाँ चलने का मन करता है। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स, वी हैव ऑल दिस थिंग केप्ट हियर, अ लॉट ऑफ स्टफ केप्ट हियर, दिस इज रियली क्यूट। So we have ordered one cappuccino guys, so cappuccino पीते हैं एंड फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे। बाकी ये जो हवा यंत्र है ना भाई, ने पूरे बालों की सेटिंग बिगाड़ दी मेरी। यूजली इसका यूज़ आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता है। ये होता है बेसिकली बाहर से जो भी हम डस्ट कैरी करते हैं उसको हमारे ऊपर से रिमूव करता है ये गाइस। वी हैव टेकन अ cappuccino फ्रॉम थर्ड वेव, एंड अब अपन यहाँ पे थोड़ी देर पीते हैं और आपसे पीने के बाद बात करते हैं।
तो भाई ये बढ़िया कैपेचिनो पिया थर्ड वेव का फ्लेवर्ड कैपेचिनो था बिकॉज शुगर में कैपेचिनो में यूजली डालता नहीं हूँ, तो हेजल एंड कैपेचिनो था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे पीने में भाई, एंड मीडियम ग्लास लिया था मैंने, सो इट वॉज एन अमेजिंग वर्थ इट आई वुड से, मेरे को बहुत लगा बिल्कुल। दो मैंने इनकी एक वो पी थी फ्रैपे कुछ था यार, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे। एंड भाई आज सैटरडे है और यकीन नहीं हो रहा पूरी मार्केट खाली पड़ी है, लाइक लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे। एंड ये वन ऑफ द फेमस है अपना प्रिंस पान की चाट जीके में। अरे भाई गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं एडिट, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड लोगों से और सबसे सब्सक्राइब कराना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियोस को ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके आपका और मेरा, प्लस शेयर भी कर देना अच्छे से इस वीडियो को, एंड डू सपोर्ट माय चैनल गाइस, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है। अब आपसे मिलेंगे कल, एंड लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट।